मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव के दो नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं कोरोना पर लगाम कसने के लिए और सख्ती बढ़ाई जाने पर मंथन किया जा रहा है। शुक्रवार को आईसीएमआर लैब भेजे गए 6 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोग सुशील राठौर के परिजन हैं, जिससे 50 वर्षीय अनीता राठौर सुशील की भाभी हैं तथा 14 वर्षीय दिशा राठौर सुशील राठौर की पुत्री हैं। लिंक के रिजल्ट आए तो सुशील राठौर के जो सगे भाई हैं सुधीर राठौर, उनकी वाइफ अनीता राठौर जो कि 51 वर्ष की हैं, वो भी पॉजिटिव आई। उसके साथ साथ सुशील राठौर की जो बेटी है दिशा राठौर, वो भी पॉजिटिव आई। इस तरीके से शहर में जो 13 पेशेंट थे, वो उसमें से 2 और बढ़ गए, टोटल 15 पेशेंट हो गए। 6 लोग ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं और पूरा ठीक होके जा चुके हैं, तो 9 लोग अभी भी अस्पताल में रहेंगे, मेडिकल अस्पताल में एडमिट रहेंगे। दोनों को मेडिकल अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है और जो भी ये जो केसेस हैं वो विद इन 100 मीटर की रेंज में हैं, तो चूंकि वहीं हैं इसलिए ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। उस एरिया का सघन सर्वे चल रहा है। टोटल 23,000 की पॉपुलेशन जो हमने चिन्हित की है, उसमें से 11,690 का ऑलरेडी हो चुका है, बाकियों का बाकी है। मेरी उस क्षेत्र के लोगों से विनती है कि अगर वहाँ पे किसी को भी थोड़ा सा भी फीवर आए, डिस्कम्फर्ट हो, रनिंग नोज हो या कुछ भी हो, तो तुरंत कोतवाली की PSC में दिखाएं या विक्टोरिया आएँ, अपनी बीमारी को छुपाएं ना, तुरंत से तुरंत आप जल्दी से जल्दी जो है इसको डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जितनी जल्दी डॉक्टर मरीज को देखता है उतने ही ज़्यादा चांसेस उसके ठीक होने के होते हैं। इन 2 पॉजिटिव को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 15 पर पहुंच गया है। हालांकि 6 पॉजिटिव लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।